वेलकम बैक। अभी आपको बरहाल से चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इल्जाम जो शहजानों ने एक दूसरे पर लगाए उसकी भी बात करनी थी, और इसमें हमना के साथ जो हमारी मुलाकात हुई जिसमें मेरे बेटों के बातें की गई उसकी भी बात करनी थी। सबसे शुरू में मैंने ये कहूंगा कि आइन में मारा लिखा आइन में मैं दिल्ली करना चाहता हूँ, इसकी मजदूरी लेगा, मजदूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको फिर भी मैंने इसको शुरू में सबसे पहले आइन में मारी होगी उसको लिखना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो मैं सच को और जुबान को दो चीजें जो हैं वो बड़ी आम हो चुकी हैं। सच बोलना भी जो आजकल गुना बनता जा रहा है, लोग सच बोलना भी समझते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, झूठे काम जो सच ये मैं और दूसरा जुबान जुबान के इस्तेमाल को जिस तरीके से किया जा रहा है, गंदी गालियां भी दी जाती हैं, एक दूसरे को गाली जुबान को इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह तला ने, और हम ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें सच और जुबान को इस्तेमाल जो है इसका जो कुरान शरीफ में लिखा है डेफिनेशन लिखी हुई है उसको हूबहू कुरान शरीफ के मुताबिक हम इसको हल करें और इसको मुद्दा कराने की कोशिश करें। बाकी बेटों में जरा भी बातें की गई उससे पहले मैं मैशर की बात तो दूसरी बात में कर रहा हूँ, बात बात मैं शराब दे रहा हूँ उनकी बात जरूर करें, ये बाकी ठीक है नाम करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं फख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने हमेशा किसी मौके पर मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया, और आज तक जब से मैंने उन्हें मना किया इस तरह के इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं इसका आप जवाब न दें तो नहीं दिया। इल्जाम लगाने वालों की अपनी सीट लेकिन उनकी भी कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दो चीजों पर आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा जो जरूरी है। एक मैं यहां से मुलाकात कर कह रहे हैं बार बार उसमें मेरे बेटे को भी काम है, तो दूसरा साहबजानों को एक दूसरे की तरह मैं आप जो मिलते हैं उसकी भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। साहबजानों में जमात और मैशत का जो किया जा रहा है ये शासदान जो है ना हमारी ये सारा इंजाम जो है ना हमारी मेजर का तबाही का जिम्मेदार जो है वो शासदान को गिना जाएगा और उसी के जिम्मेदार को वो अपना सबूत पेगा, सबने पास जाना है शासदान ने पास जाना है, वो सारा इंजाम आज उनके ऊपर लगे हैं, उनके भी बचने की जरूरी है वो अपना माल ठीक करें और ठीक तरीके से आवाम में चीजें देख जाए ताकि उनको गलत शामिल बना जाए। अब तफसीलात में जो बड़ी देर लगेगी अगर मैशन की तफसीलात में जाए जाए वो इसके ऊपर मैं करूँगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको किसी तरीके से भी अगर रुकाना गया तो ये इतना महंगा हो जाएगा काम कि जो हादसे ये क्यों आपको ये आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, ये हम शासन को एक सूर है, अगर हम शासन सारे जो हैं चाहे वो हुकूमत में हो जाए हुकूमत में बाहर हो अगर वो एक हो जाए तो हम क्या मैसेज देते दुनिया को कि हम एक हैं, तभी उन्होंने अपनी पार्टी बदली, लेकिन आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा तो सवाल करनी पड़े क्या शासन का फर्क नहीं है, आर्मी चीफ को सवाल के जुटना पड़े हम इसको खुद हल करने की कोशिश करें। ये और इसी तरीके से और कई चीजें हैं जो लानी पड़ेंगी। अब छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि इस वक्त जिन लोगों पर इल्जाम लगाए गए हैं सारे इल्जाम को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक साल की जो हमें नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को एक दिफाउ चेंज हो गए कोई उस दिन पूरा जाता है, हम सारे लोगों को हर जगह पर हर रोज बात पड़ी होती है अपना जिसे कहा गया अपना इसने कहा गया अपना इसने कहा, इसके अलावा कोई चीज नहीं एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का रखा कुछ चीज सामने नहीं आती, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई और फैसले जो है वो भी आपके सामने हाईकोर्ट के फैसले भी
कहा था जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, हमने ये सोचा कि चलो हाईकोर्ट में चलते हैं, जाकर वो कहते हैं ये इतने से साल से चल रहे हैं केसेस में कोई फायदा नहीं होता। बड़े इतफाक के बाद मेरे पास एक कॉपी भी मौजूद है, आपको जो चाहिए वो ले सकते। 20 साल पुराना केस हमारे दोस्त मेरे खिलाफ चलता था, 20 साल डेटे भी लिखी हुई और जज जी का दो जज ने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि 20 साल इस तरह से मैंने बड़े केस है एक्सटेंशन के लिए मेरी 6 महीने और दिए उसकी तब्दील कर रहे। जज ने कहा 20 साल हो गए आपको केस देखे हुए, 20 साल से केस चल रहा है, 6 महीने में आपने क्या करा मारने लिए, तो ये उन्होंने जज जी ने उसको खत्म कर दिया केस को। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फील बताते हैं बताऊंगा। और हमारा ये भी इसमें आया गया हमारे खिलाफ ये चीज हो गई कि हमारे जो बच्चे हैं तो करप्शन के इल्जाम लगाए गए। सबसे पहले मैं और शीमा साहब दोनों गए उस वक्त विजय के पास और मैंने अमदान के पास और हमने जाकर कहा ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा जी ये है मुझे के खिलाफ उन्होंने बड़े बातें की, मैंने कहा जी उसने ये उसके खिलाफ जान दीजिए बातें थी बाकी चीजों के इल्जाम, तो ये कहा ये काम हम सीमा से मौजूद हैं भी कैसे बता सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा दोनों को आप जैसे विचार करें सड़क को सारे सड़क को जी मैं बना लेता हूँ उसका इंतजाम इसके खिलाफ बहुत चीज, तो मैं राजी इसके सब चीजों का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि हमने फैसला किया हुआ है उसके बनाने तो उसी को मैं रहने दे कोई चार्ज नहीं है। इसी तरीके से जो चलता रहा मैंने कैसे भी कहा कि आपसे मैं ये मैं हम सबूत नहीं मांगते, आप तो अपने लोग सबूत मांगते हैं ये मैं सबूत दे कि हमने ये किया कि नहीं, आप सबूत भी नहीं मांगते हैं आप सिर्फ हमें टाइटल बता दें किस टाइटल के साथ ये मुकदमा चलाए गए क्या उन्होंने गाड़ी चोरी की है नाव चोरी की है चोरी की तो क्या उन्होंने किया जो मौजूद लाभ होगा। तो उन्होंने कहा जी सीमा साहब ने पूछा कि कितने देर तक आप बता दें, तो उन्होंने कहा 7 दिन, उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बता दूंगा और 7 दिन आज इस वक्त चौधरी शुजात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलायजा किया।